जिला केसीजी अंतर्गत ग्राम पंचायत सालेवारा में शासकीय पशु चिकित्सालय सालेवारा इन दिनों डॉक्टर की कमी महसूस कर रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार विगत महीने से वनांचल के इस पशु चिकित्सालय में कोई डॉक्टर नहीं पदस्थ है, जिसके कारण समय में पशु जानवरों का समय से इलाज नहीं हो पा रहा है। वहीं लोगों का आरोप है कि जब भी वे यहां अपने पशु को लेकर आते हैं तो यहां हमेशा ताला लटका मिलता है। कई बार इलाज के अभाव में जानवरों की मौत भी हो जाता है। नमस्कार, मैं ओमकेश पांडे। आज दिनांक 7 तारीख 11 महीना 2022 को दिन सोमवार है। आप देख सकते हैं जो कि चिकित्सालय है, ये पशु चिकित्सालय दिखा दीजिए ऊपर से उनका। ये पशु चिकित्सालय है, देख सकते हैं आप, यहाँ कोई कर्मचारी अभी यहाँ नहीं है। ताला खुला गया है लेकिन अभी यहाँ अंदर में कोई नहीं है। तो आज दिन सोमवार के दिन जब ये हालत है पशु चिकित्सालय का, सालेवारा की जानकारी दिखा रहा हूँ मैं आज 7 तारीख 11 महीना 2022। ओमकेश पांडे, धन्यवाद। देख सकते हैं आप इनका समय टाइम भी दिखा दीजिए। यहाँ सालेवारा में लगभग घाट नीचे के ऊपर यहाँ 22 पंचायत है। 22 पंचायत में यही एक अस्पताल है। अब आप देख सकते हैं यहाँ कितने जानवर होंगे जिसके इलाज के लिए यहाँ ना तो कोई डॉक्टर है ना कोई कर्मचारी है। और यहाँ हम आए थे देखने के लिए, यहाँ कोई नहीं मिला हमको। मैं ओमकेश पांडे, धन्यवाद। आपको बता दें कि वनांचल क्षेत्र के सालेवारा में ही एक पशु चिकित्सालय है, वो भी भगवान भरोसे। इसको लेकर लोगों में नाराजगी साफ तौर पर देखी जा सकती है। इस मामले में प्रभारी पशु चिकित्सक संदीप इंदुलकर का कहना है कि वहां पदस्थ डॉक्टर छुट्टी में होने की वजह से मुझे प्रभार दिया गया है, मगर मुझे अपने ही प्रभार क्षेत्र से समय नहीं मिलने के कारण वहां नहीं जा पा रहा हूं। सर, आप अपना परिचय दीजिए। मैं तहमीद खान कादरी जी, विधायक प्रतिनिधि सालेवारा। सर, आप इस अस्पताल के बारे में कुछ जानकारी देना चाहते थे, बताइए। दरअसल क्या है, आज मैं 10 बजे करीब एक किसान का जो गाय था जी जी, उसका कुछ तकलीफ था उनको जी जी, तो वो किसान आया था यहाँ जी, और उनके साथ मैं एक घंटा भी वेट किया जी। ताला खुला था यहाँ पर जी जी, लेकिन यहाँ डॉक्टर नदारद थे जी। और बहुत ही दुर्भाग्यजनक बात है कि डॉक्टर आए दिन नदारत रहता है, और आज सोमवार का दिन है जी जी, और सोमवार के दिन अगर डॉक्टर न रहे जी जी, और जो यहाँ जो हमारे पास से जो किसान लोग आए और इसका लाभ नहीं मिल सके, तो बहुत ही दुर्भाग्यजनक बात है। और मैं डॉक्टर लोग को कहना चाहता हूँ कि आप लोग समय को ध्यान देते हुए अपना जवाबदारी से काम करें जी जी, और मैं यही कहना चाहूँगा। और ये पत्रकार भाई लोग के माध्यम से जी जी, मैं सभी तरफ पहुंचाना चाहता हूं, और ये निश्चित रूप से समय को ध्यान देते हुए समय में ट्रीटमेंट करें जी जी, और यही मेरा कहना है जी जी, धन्यवाद। तो अभी देख सकते हैं अभी भी यहां ताला लगा ही हुआ है, हम दिखा रहे हैं इसका टाइम और समय। सालेवारा से ओमकेश पांडे, सीजी विजन टीवी।